खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देश के बहुत बड़े कानूनविद हैं, वकील हैं, आप लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सांसद हैं। ये बात छोड़िए आप। नहीं, मैं साधारण आदमी हूं, आपके सामने सवाल का जवाब नहीं, आप उस शख्सियत के हैं तभी आप यहां हमारे साथ बैठे हुए जवाब देने के लिए। मैं जानना चाह रहा हूं क्या इसी कानून के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि राम मंदिर की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। किसने बोला भाई ये इल्जाम आपके ऊपर है? एक मिनट जरा समझ लीजिए बात क्या है। पिछली बार मैं जब पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो कब था? दिसंबर 2017। आज क्या हो गया? फरवरी 2019। तो दिसंबर 2017 से फरवरी 2019 में तो मैं तो पेश भी नहीं हुआ, तो कौन राम मंदिर को का केस नहीं सुनवाई करना चाहता? मैं इतना अंतर्यामी हूं कि 2019-17 का मेरा बयान मतलब कि हिंदुस्तान के सारे सुप्रीम कोर्ट जज सुनते हैं कि सिब्बल साहब ने कह दिया और हमने मान लिया, ये मतलब कि एक मजाक है। और एक प्रधानमंत्री और एक कानून मंत्री रोज कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कि कल सुनिए, परसों सुनिए, तरसों सुनिए, हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब केस लगेगा उसके बारे में कोई पब्लिक बयान नहीं देगा, लेकिन ये रोज कहते हैं। इनके धर्म संसद के लोग कहते हैं, इनके मोहन भागवत के रोज कहते हैं, कल ही उन्होंने कहा, तो क्या ये उचित है? उसकी आलोचना क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? सुनवाई कल करने में तो आसान है। मैंने तो कोर्ट में बात की थी, मैं तो कोर्ट के बाहर नहीं कहा था ना कभी, ये तो कोर्ट के बाहर कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी चल रही है। आप कह रहे हैं कि 19 तक मत सुनो, तो मैंने नहीं कहा, आपने 2017 में कहा, 17 में कहा, उसके बाद तो 50 ईयर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोज करो, लेकिन जस्टिस ने कहा कि दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। तो अभी कहा, क्यों आपने कहा था ना दिसंबर में? वन सेकेंड, आपने क्यों कहा? पहले आप अपनी बताइए। क्योंकि मैंने कहा था कि चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, मैं आज भी कहता हूं, इनका मकसद ही एक है, मैं कुछ छुपाता थोड़ी ना हूं, इनका मकसद एक है, ये समाज को बांटना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ये इल्जाम है, चुनावी मुद्दा है, मंदिर के रास्ते चुनावी मुद्दा है, इनको आप राम मंदिर के रास्ते के सबसे बड़े विलेन बना दिए गए। आपके द्वारा इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 को ये राम मंदिर बनाना क्यों भूल गए? 15 को क्यों भूल गए? 16 को क्यों भूल गए? 17 को क्यों भूल गए? 18 को इनको याद क्यों आया? क्योंकि 19 को इलेक्शन था। आप पे ये इल्जाम है कि आप राम मंदिर के रास्ते में हिंदुओं के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है जो नहीं बनने दे रहे हैं। मैं ये बार बार प्रधानमंत्री रैलियों से अगर मैं रोड़ा हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रोड़ा है। उन्होंने कहा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप गलत बात कह रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं, आप गलत बात कह रहे हो। मेरा हक है, मेरा हक है, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं खड़ा था वहां, मैं अपने मौकिल के लिए खड़ा था। मेरा हक है अपनी मौकिल की बात कोर्ट में कहना, और मैं कहता रहूंगा जब भी होगा मुझे कोई भी मुवक्किल के बहाने कांग्रेस की बात कर दिया। इसमें कांग्रेस की बात क्या है? इसमें कांग्रेस की क्या बात है? मैंने तो पहले भी कहा कांग्रेस की कोई बात नहीं, और कोर्ट के बाहर मैंने आज तक बयान नहीं दिया। ये रोज बयान देते हैं क्योंकि ये वो माहौल पैदा करने पर। आज उन्होंने कहा है, अभी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल कर दी है कि जो वो जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है अनडिस्प्यूटेड है, हमें देना चाहिए। ठीक है, इज इट पॉसिबल? दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, वो कोर्ट फैसला करेगी। कब सुनेगी कब नहीं सुनेगी वो कोर्ट फैसला करेगी, ना मोहन भागवत करेंगे, ना प्रधानमंत्री जी करेंगे, ना इनका लॉ मिनिस्टर करेगा। पर आप इच्छा जता सकते फायदा हैं। फायदा नहीं कि फैसला करेगा, उनके बाद आए फैसला करेगी कोर्ट, और जब भी सुनेगी वो स्वागत है उसका, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी सुने। रोज मैं कोर्ट को आग्रह करता हूं, कई केसेस में कोर्ट मेरी नहीं मानती, कभी मान जाती है, ये तो कोर्ट का फैसला है, ये हमारा क्या लेना देना है इसमें। सिब्बल साहब, क्योंकि मामला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और बीते इतने सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है, पहली बार है कि केंद्र सरकार ने पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि अनडिस्प्यूटेड लैंड जो है वो वापस कर दीजिए, हमको उनके ओरिजिनल लोगों को लौटाना था। जी, असलम भूरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इन्होंने यही याचिका तभी भी डाली तब क्या, अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ओके, वो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये पिटीशन का भी कोई मतलब नहीं है। अरे मैं कैसे जानूं, मैं तो मोदी जी को ज्यादा मालूम है। आप करें कि राजनीतिक तौर पर बात, मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं जा रहा हूं, उनकी मंशा पर सवाल पूछ रहा हूं, जो पिटीशन दाखिल की गई सरकार की तरफ से वो क्यों की गई होगी? आपको मालूम है, ज्यादा जनता को मालूम है, पत्रकारों को मालूम है, मुझे क्या जरूरत है पूछने बताने की, सबको मालूम है क्यों कर रहे हैं ये। नहीं, आपको नहीं मालूम? आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, आपको मालूम है मेरी बात? जिस सवाल का जवाब आपको मालूम है, आप काहे को पूछ रहे हैं?
ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि क्या बीजेपी जब अब राम मंदिर की बात कर रही है, पिटीशन लगा रही है, राहत दे रही है किसानों को, मध्यम वर्ग को, इन तमाम लोगों को, क्या बीजेपी के जीतने के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ नहीं गए हैं 19 का चुनाव? ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम बढ़ गए हैं या नहीं बढ़ गए, ये तो जनता का चेहरा बताएगा। आपको क्या लगता आप है? पूछिए जनता, किसान को पूछिए, वो कहता है कि मजाक हो रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।